दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का निशान जो दिखाई दे रहा होगा उसको दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपके एक्सेस मैन जॉब्स चैनल में। और दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो खास होने वाली, यहाँ पर दिल्ली मेट्रो की तरफ से वैकेंसी आई है, JCO और NCO की वैकेंसी आई है दोस्तों। 100 यहाँ पर एक्सेस मैन की वैकेंसी है, फिलहाल इसको बाद में बढ़ाया जा सकता है, फिलहाल के लिए 100 एक्सेस मैन की वैकेंसी है और दिल्ली मेट्रो की आप लोग देख रहे होंगे कि वैकेंसी है। तो दोस्तों इसके नोटिफिकेशन पे जाते हैं और जानते हैं इसके प्रोसेस को। उससे पहले दोस्तों एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरी वीडियो को देखिएगा शुरू से लास्ट तक, तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। यदि आप एक्सेस मैन हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जो लाल कलर का बटन है उसको दबा दीजिए, साथ में घंटी का निशान दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले और आप लोग टाइम पे अप्लाई कर सकें। तो ज़्यादा देर न करते दोस्तों इसके नोटिफिकेशन से चलते हैं और जानते हैं इसके पूरे प्रोसेस को। दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग, ये है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार का उपक्रम है। और यहाँ पे दोस्तों DMRC ने यहाँ पे लिखा है कि एक्सेस मैन की वैकेंसीज के लिए आवेदन किया है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन टेकन ए न्यू इनिशिएटिव टू डिप्लॉय एक्सेस मैन NCO JCO फॉर कस्टमर फैसिलेशन ऑफ प्रोवाइडिंग वॉच एंड वार्ड सर्विस एट राजीव चौक एंड दिल्ली मेट्रो स्टेशन, यानी राजीव चौक और दिल्ली जो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए एक्सेस मैन की भर्ती, इसमें के अराउंड 100 एक्सेस मैन की फिलहाल वैकेंसीज की जाएगी। और दोस्तों काम क्या क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पर क्लियरली मैंशन किया है इन्होंने कि जो एक्सेस मैन होंगे वो एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सेवा देंगे, जिसमें कि प्लेटफॉर्म पे आपकी ड्यूटी लग सकती है, ऑटोमेटिक फेयर्स जो होते हैं मशीनें होती हैं, ऑटोमेटिक जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे आपकी ड्यूटी हो सकती है, गेट पे आपकी ड्यूटी लगेगी, और भी अदर लोकेशंस जो होंगे स्टेशंस के वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी, गैलरीज में आपकी ड्यूटी लगेगी दोस्तों, टिकटिंग एरिया में आपकी ड्यूटी लगेगी, जिससे कि भीड़ को कवर किया जा सके, लाइन पे लगाया जा सके, स्टेयर केयर्स जो कि सीढ़ियां चलती हैं दोस्तों ऑटोमेटिक वहां पे आपकी ड्यूटी लग सकती है, और उसके अलावा डीजी रूम में आपकी ड्यूटी लग सकती है, चिल्लर पॉइंट पर आपकी ड्यूटी लगेगी, कूलिंग टावर पर आपकी ड्यूटी लग सकती है दोस्तों, ये आपकी ड्यूटी लग सकती है यहाँ पर। और क्या क्या काम होंगे दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने कि ओवरऑल क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड को आपको भीड़ को कंट्रोल करना होगा, ट्रेन जो है स्मूथ चल सके, जल्दी चल सके, उस काम को आपको करना होगा, प्रॉपर क्यू जो लाइन है उसको आपको लगाना होगा दोस्तों, जो कि जब पैसेंजर की भीड़ हो जाती है तो जो क्राउड हो जाता है, भीड़ हो जाती है ज़्यादा, तो उस लाइन को आपको मेनटेन करना होगा। वहाँ पर जो डिसेबल पर्सनस होंगे उनकी आपको मदद करनी होगी, और जो भी सुसाइड पॉइंट हैं दोस्तों वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी। एनी क्वारीज, कोई भी क्वारी होगी दोस्तों जर्नी के दौरान, किसी को कुछ पूछना होगा तो उनको आपको गाइड करना होगा, करेक्ट इंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बारे में आप लोगों को गाइड करना होगा जो भी आप लोगों से पूछता है, और कंट्रोल मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एट स्टेशन इंट्री और एग्जिट जो पॉइंट है दोस्तों वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है, और व्हीकल पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो दोस्तों सब नॉर्मल ड्यूटियाँ हैं, एक मैनेजमेंट के तौर पे आपकी ड्यूटी लगेगी, जहाँ पे इंट्री होती है, जहाँ पे व्हीकल होते हैं, जहाँ पे सामान रखा जाता है, उस सब ड्यूटी आपकी वहाँ पे लगेगी। और इसमें इन्होंने लिखा है दोस्तों कि दिस सर्विस आर ये ट्रायल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मे बी एक्सटेंडेड एट अदर मेजर स्टेशंस ऑफ द दिल्ली मेट्रो नेटवर्क बेस्ड अपॉन द फीडबैक परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1 साल के लिए है फिलहाल, और यदि अच्छा इनको रिजल्ट मिला तो ये लोग इस प्रोसेस को, इस डील को आगे भी बढ़ा सकते हैं और वैकेंसीज भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास। वैसे दिल्ली के लिए और भी वैकेंसीज आई है, यदि आपके पास डिप्लोमा है या उससे रिलेटेड है, लेकिन फ़िलहाल ये वैकेंसीज़ जो है एक्सेसमैन के लिए उन्होंने दी है। फ़िलहाल यहाँ पे 100 वैकेंसीज़ यहाँ पे इन्होंने जो है भर्ती करने का फैसला किया है, और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो ये लोग बढ़ा भी सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और स्टेशंस जो भी न्यू दिल्ली के हैं, मेट्रो स्टेशंस, वहाँ पे आपकी सुविधा को बढ़ा सकते हैं, आप लोगों को ज़्यादा वैकेंसीज दे सकते हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों ये न्यूज़ थी दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड। आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरतमंदों को इसको फॉरवर्ड करें, उनको बता दें इस मैसेज को। और ध्यान रखें कि मेट्रो स्टेशंस जो भी होते हैं वो एसी, प्रॉपर एसी होते हैं, तो बहुत अच्छी ड्यूटी यहाँ पे आपको अंदर ही रहना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ आते हैं मैं अपने चैनल पे देता रहूँगा और देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।